गाइस, शाओमी हाइपर एस के अपडेट्स काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए इंडिया में शाओमी ने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर हाइपर एस 2.0 के जो अपडेट्स हैं उनको भी रोल आउट करना शाओमी ने स्टार्ट किया है। और इवन अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में भी कुछ ऐसे डिवाइस है जिनको हाइपर एस 1.5 का ऑफिशियल बिल्ड देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और हाइपर एस 1.5 की जो ऑफिशियल डिवाइसेस की लिस्ट है जिनको अपडेट्स और भी देखने को मिल रहे हैं, रेडमी नोट 13 सीरीज़ है, 11 सीरीज़ है, 12 सीरीज़ है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे डिवाइस सेलेक्ट हो चुके हैं जिनको अपडेट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यार, ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले अपडेट की बात करूँ तो भाई रेडमी K50i, रेडमी K50i प्रो, पोको X4 GT प्रो या फिर रेडमी नोट 11T, 11T प्रो प्लस, ये जो डिवाइस है इन डिवाइसेस के लिए हाइपर एस का एक नया अपडेट जो शाओमी ने रिलीज कर दिया है। इस अपडेट की मैं बात करूँ तो 1.0.3.0 है। अभी इंडिया में रिसेंटली रेडमी K50i प्रो के लिए 1.0.2.0 को रिलीज किया है, लेकिन अब यहाँ पर 1.0.3.0 भी देखने को मिल गया, जिसमें आपको July 24 का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। हालांकि अपडेट अभी CN में देखने को मिला है, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि काफी जल्द इंडिया में भी हाइपर एज 1.5 के साथ ये अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और गैस, यहाँ पर शाओमी ने हाइपर एज 1.5 के जो अगस्त के सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स हैं उनको बिल्कुल रेडी कर दिया है। इन डिवाइसेस में ये अपडेट्स रिलीज होने वाले हैं जिनके यहाँ पर वर्जन भी देखने को मिले हैं। कुछ नए डिवाइस एड हो चुके जिसमें यहाँ पर शाओमी 12 प्रो है, शाओमी 12S प्रो है, और उसके साथ ही आप यहां से देखो शाओमी 14 प्रो है, शाओमी 14 प्रो TI मॉडल है, और यहां पर आप देखोगे शाओमी 14 अल्ट्रा है, रेडमी K50 प्रो भी इस लिस्ट में आ गया है, और यहां पर रेडमी K60 अल्ट्रा है, रेडमी K70, K70 प्रो, K70 जो ई मॉडल है वो भी यहां पर मिल रहा है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि भाई यहां पर फाइनली रेडमी नोट 13 5G भी आ चुका है इस लिस्ट में, जिसका ऑफिशियल हाइपर एज 1.5 का अपडेट बिल्कुल रेडी है और इसको काफी जल्द शाओमी रिलीज करेगा। हालांकि इस पहले CN में ही देखने को मिलेगा, देन उसके बाद इंडिया और ग्लोबल में भी इसका रोल आउट यहां पर शाओमी काफी जल्द स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर हाइपरएस के काफी सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो इंडिया और ग्लोबल और अदर कंट्रीज में देखने को मिले। तो यहाँ पर रेडमी नोट 12 प्रो, रेडमी नोट 12 प्रो प्लस के लिए ग्लोबल स्टेबल में 1.0.5.0 को रिलीज कर दिया गया, जो कि काफी सही अपडेट है। और यहाँ पर पोको X5 के लिए भी हाइपर एज 1.5 का एक ऑफिशियल बिल्ड रिलीज किया गया जो कि 1.0.5.0 है। MI पायलट टेस्टर्स को ये अपडेट देखने को मिला है। और यहाँ पर शाओमी 11T प्रो अगर आप यूज करते तो इंडिया में 1.0.4.0 का जो ऑफिशियल बिल्ड है वो इंडिया में MI पायलट टेस्टर्स को देखने को मिला है। और जो पोको X6 प्रो डिवाइस है उसको 1.0.9.0 का जो अपडेट है वो इंडिया में देखने को मिला है MI पायलट टेस्टर्स को। और अगर आप पोको X5 ग्लोबल स्टेबल यूज करते हो तो यहाँ पर 1.0.7.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर ऑफिशियल शाओमी ने रिलीज कर दिया। तो ये सारे अपडेट्स है जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इंडिया की मैं बात करूं तो भाई फाइनली रेडमी नोट 13 5G के अंदर इंडिया में एक नया अपडेट जो है फ्लैश कर दिया गया है जो कि 1.0.9.0 है। और ये अपडेट जो है वो 199 MB का देखने को मिला है, July 24 का सिक्योरिटी पैच है, और इसको शाओमी ने यहाँ पर पार्शियल यूजर्स के लिए रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसमें आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है, और ये कुछ मतलब सेलेक्टेड यूजर्स के लिए पब्लिक रोल आउट स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप रेडमी नोट 13 5G यूज करते हो इंडिया में तो एक नया अपडेट फ्लैश किया गया है जिसको आप यहां से ट्राई कर सकते हो। और गाइस, यहां पर हाइपर एज 1.5 के जो न्यू 3D विजिट्स है उसका फर्स्ट लुक देखने के लिए यहां पर मिला है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के हाइपर एज के 1.5 के जो सुपर विजिट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो स्टाइल है वो 3D है, जिसमें आप देखोगे इसके अंदर एक जबरदस्त लुक आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके अंदर एक एनिमेशन भी आपको मिलेगा, यहां पर चार्जिंग टाइप के भी कुछ एनिमेशन मिलेंगे। हालांकि ये CN में देखने को मिला है, लेकिन इसका एक APK अवेलेबल है जिस पर एक वीडियो आपको काफी जल्द डिटेल में मिलेगा कि हम इन विजिट्स को इंडिया में कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे एक्सेस यहां से कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर हाइपर एज 1.5 के जो ऑफिशियल 3D विजिट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। और गैस, यहाँ पर हाइपर एज 1.5 का जो सिक्योरिटी APK है उसका एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर रिलीज किया गया। इस अपडेट में आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिले हैं, जिसमें एडेड एप्लीकेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट का जो फीचर है वो देखने को मिला है। कुछ इस टाइप का इसका लुक यहाँ पर रहने वाला है, और इसका जो ऑफिशियल APK है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहो ये वाला जो मैनेज ट्रैकिंग आइडेंटिफायर का फीचर है उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे जो APK है हाइपर एज 1.5 का उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, इसको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और गाइस, फाइनली शाओमी आफ्टर 14 ईयर यहाँ पर जो बीटा प्रोग्राम है उसको क्लोज कर रहा है। शाओमी शट डाउन द बीटा अपडेट प्रोग्राम आफ्टर 14 ईयर्स।
तो यहाँ पर जो बीटा के अपडेट्स हैं उनको शाओमी यहाँ पर क्लोज करने वाला है। अब आने वाले टाइम्स में जो बीटा अपडेट हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। इसका एक ग्राफ भी शाओमी ने रिलीज़ किया है, हाइपरोस 1.0 हाइपरोस 2.0 तक इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से यहाँ पर जो बीटा अपडेट्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली जो अपडेट्स आएंगे वो स्टेबल के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इनका जो डेवलपमेंट का फाइनल रिलीज़ है वो इन डिवाइसेज में देखने को मिल चुका है, जिसमें शाओमी 14, शाओमी 14 प्रो है, शाओमी 13T, शाओमी 13 अल्ट्रा है, रेडमी के 60 सीरीज़ की डिवाइस हैं, शाओमी 12S वगैरह की डिवाइस मिल जाते हैं, शाओमी 12S, शाओमी 12 प्रो डायमेंसिटी एडिशन, रेडमी के 50 सीरीज़ के सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। तो इन डिवाइसेज की जो टेस्टिंग है वो रोक दी जाएगी। अब इनको डायरेक्टली बीटा अपडेट की जगह यहाँ पर हाइपरोस के जो स्टेबल पब्लिक बिल्ड हैं वही देखने को मिलेंगे, और बीटा अपडेट्स का जो प्रोग्राम है उसको शाओमी यहाँ पर शट डाउन कर रहा है। अब से जो बीटा अपडेट्स हैं वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और गैस यहाँ पर शाओमी ने हाइपरोस 1.5 का जो यहाँ पर जुलाई और अगस्त का जो अपडेट ट्रैकर है उसको रिलीज कर दिया है, जिसमें एग्जैक्टली आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से डिवाइसेस को यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट जो है हाइपरोस 1.5 का देखने को मिला और किस किस कंट्रीज में इसको रिलीज किया गया। जिसमें आप देखोगे यहाँ पर पोको जो X5 प्रो है इसको यहाँ पर ताइवान में अपडेट मिला है, शाओमी 12 लाइट है इसको यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल में 1.5 का अपडेट मिल गया, और यहाँ पर शाओमी जो पैड 6 है इसको इंडिया में, ग्लोबल में और अदर कंट्रीज के अंदर भी हाइपरोस 1.5 देखने को मिला है। और यहाँ पर पोको F6 के लिए भी हाइपरोस रिलीज कर दिया गया 1.5 का, जो तीन कंट्रीज में मिला है, इंडोनेशिया है, यूरोप है और यहाँ पर ताइवान है। और यहाँ पर शाओमी 13T के लिए भी काफी सारी कंट्रीज में यही अपडेट मिला, और यहाँ पर रेडमी नोट 13 प्रो प्लस जो 5G मॉडल है इसके लिए भी हाइपरोस 1.5 को रिलीज यहाँ पर कर दिया है। पोको F6 प्रो के लिए भी ग्लोबल स्टेबल में और अदर कंट्रीज में इसको रिलीज किया गया है, और शाओमी जो 14 अल्ट्रा है इसको इंडिया में भी हाइपरोस 1.5 का अपडेट ऑलरेडी देखने को मिल गया है। तो ये इसका जो अपडेट ट्रैकर है, इसमें कुछ डिवाइस अभी रह गए, हालांकि अपडेट्स जो है और भी ज्यादा डिवाइसेस को मिला है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब नंबर ऑफ जो ट्रैकर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और गाइस यहाँ पर हाइपरोस 2.0 के अंदर यहाँ पर रीडिजाइन सेटिंग मेन्यू, मतलब जो सेटिंग मेन्यू है उसमें यहाँ पर काफी ज्यादा रीडिजाइन सिस्टम को किया गया है, मतलब छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ओल्ड वाला जो है वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये ओल्ड वाला लेआउट है जिसमें यहाँ पर सेटिंग सेक्शन कुछ इस तरीके से है, लेकिन जो नया लेआउट है उसको काफी ज्यादा कलरफुल बनाया है, देन इसके साथ और भी काफी सारे मल्टीपल फीचर्स को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इसका जो लेआउट है हाइपरोस 1.5 का जो लेआउट है उसको शाओमी ने टोटली यहाँ पर चेंज कर दिया है, इसके जो की फ्रेमिंग डिजाइन है उनको भी यहाँ पर काफी चेंज किया गया, और इसके अंदर और भी काफी सारे एनहांसमेंट के जो फीचर्स हैं वो ऐड किए हैं। तो ये फीचर काफी सही है, और इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग इंडिया के अपडेट्स में। और गाइस यहाँ पर शाओमी के कुछ 11 पॉपुलर ऐसे डिवाइस है जिनको अब यहाँ पर हाइपरोस वगैरह का या फिर MIUI 14 का कोई भी अपडेट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि शाओमी ने इनको EOL की लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया। तो कुछ नए मॉडल्स देखने को मिले जिसमें शाओमी 10S है, शाओमी 10 प्रो है, और यहाँ पर शाओमी 10 है, शाओमी 10 MI अल्ट्रा है, और यहाँ पर शाओमी 11 लाइट जो 5G मॉडल है वो आपको मिल जाता है, और उसके साथ ही Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max है, और Redmi Note 10 है, Redmi Note 10 5G मॉडल, Redmi Note 10T, और इंक्लूडिंग यहाँ पर Redmi Note 8 जो 21 मॉडल है जिसको ऑलरेडी हाइपरोस भी मिल चुका है, इसको भी यहाँ पर EOL कर दिया है। पोको लिस्ट में यहाँ पर नया जो डिवाइस ऐड हुआ है वो पोको M3 Pro 5G मॉडल मिल जाता है, इसको भी यहाँ पर ऐड कर लिया। अब से इसको हाइपरोस वगैरह का या फिर कोई भी अपडेट देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिवाइस जो है वो EOL की लिस्ट में यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट काफी सारे डिवाइसेस के लिए अपडेट्स यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि भाई आपका फोन जो है वो हाइपरोस 1.5 या फिर 2.0 के लिए सिलेक्टेड है, या फिर स्टिल आपका डिवाइस भी EOL की लिस्ट में यहाँ पर जाने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फैमिली को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।